हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 9 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में ही होगा कि 10 अक्टूबर 2021 को UPSC का जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है। तो आशा है उसकी जो तैयारी है वो आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी रिवीजन पे आपको बिल्कुल फोकस करना है और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट करनी है। लमसम आप देखेंगे एक तो 61-62 दिन का जो समय है वो अभी लमसम 2 महीने का जो समय है वो बचा है। तो दोस्तों, अभी एकदम टाइट होने का समय आ गया है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से प्रिपेयर करते रहिए और सिविल सर्विसेज के जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहिए, जिससे कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका कवर होता रहेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कल टोक्यो में जो ओलंपिक हमारे चल रहे थे वो ओलंपिक ख़त्म हो गए हैं और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो थी वो कल मनाई गई थी। 8 अगस्त 2021 को इनका समापन हुआ था। अगले साल जो ये इसकी जो फिल्म का फ्लैग होता है उसे अब पेरिस को सौंप दिया गया है और अगले शायद जो ओलंपिक हैं वो 2024 के वहाँ पर होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ओलंपिक हैं वो अभी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार एक स्पोर्ट्स का नेचर होता है, स्पोर्ट्स में जो नए रिकॉर्ड हैं वो बनते रहते हैं और जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो टूटते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो इस ओलंपिक में भी देखने को मिली थी। उसी के बारे में एक नॉर्मल चर्चा आज के डाटा पॉइंट में की गई है और तो पेपर के लहजे से ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक एक सेकंड के अंतराल से भी टूट जाते हैं और नए रिकॉर्ड बन जाते हैं। आप देखेंगे कि 400 मीटर का जो टारगेट है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो तोड़ा गया है, 1500 मीटर की रेस में तोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर जो लॉन्ग जो डिस्टेंस की जो रेस है उसमें अभी रिकॉर्ड ब्रेक किए गए हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे कि यूएस की सिडनी जो मैकुलम है उन्होंने 400 मीटर का जो हर्डल था उसे फिर 51.46 सेकेंड में कवर कर लिया, जबकि जो पुराना रिकॉर्ड था वो 51.9 सेकेंड्स का था। इसके अलावा यूएस के दलीला मोहम्मद ने जो ये रेस है वो 51.58 सेकेंड में कंप्लीट की थी। तो इस प्रकार से जो रिकॉर्ड है वो बना है और नॉर्वे के कैस्टन वैरहलम जो एक वुमेन सॉरी मैन है उन्होंने 400 मीटर का जो हर्डल है वो 45.94 सेकेंड्स में कंप्लीट किया था, जबकि ये 46.7 सेकेंड का पहले का पुराना रिकॉर्ड है। दोस्तों, आप देखिए कि कितना कम डिफरेंस है, ये सेकंड्स में बात यहाँ पर हो रही है। 46.7 सेकेंड्स है और 45.94 सेकेंड है, 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखा गया है। तो इस प्रकार से सेकेंड सेकेंड में भी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखा जाता है। तो इस प्रकार से कुल जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर बने हैं और हर एक जो यहाँ पर रेस हुई थी उसका डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अदर वुमेन्स में भी अदर खेलों का भी डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। डाटा पेपर के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से जो इनकी खेलों की बारीकियाँ हैं और जो रिकॉर्ड्स इसमें फॉर्मेशन होता है वो किस लेवल पर होता है। आपको ध्यान ही होगा कि ये जो अभी ओलंपिक ख़त्म हुए हैं उसमें इंडिया को 7 मेडल्स मिले हैं, जिसमें कि एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोल्ड मेडल जो मिला है वो किसको मिला है, उनका नाम बताइए और उनका खेल बताइए। तो दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में सिर्फ इतना ही था, कुछ विशेष आज के डाटा पॉइंट में नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है और एक किसी स्पोर्ट्स की जो बारीकी है उनको समझने की कोशिश करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल की तरफ।
दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इस साल की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिवील किया था, उसको जारी किया था। और इससे मॉनेटरी पॉलिसी में जो उन्होंने अपनी रेपो रेट थी उसे रेपो रेट को अपना स्टेबल रखा था। रेपो रेट दोस्तों वो रेट होती है जिस पर जो अदर बैंक होती है उनको जो रिजर्व बैंक है वो जब लोन प्रोवाइड करता है तो इस रेट पे प्रोवाइड करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसके अलावा एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होते हैं जिस रेट पर बैंक से जो रिजर्व बैंक लोन लेता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। वो 3.35% ही रखी गई है। इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और ईयर 2021-22 के लिए जो ग्रोथ का रेट रखा है वो भी 9.5% के समथिंग रखा गया है। तो ये भी जो पुराना जो अपना हमारा टारगेट डिसाइड किया गया था ग्रोथ का उस टारगेट से थोड़ा कम है, थोड़ा लोअर डाउन इसमें डिसाइड किया गया है। तो इस प्रकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जारी की गई है। और जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट इसमें डिसाइड किया गया था वो टारगेट उसी 6% का जो ब्रैकेट है उसी को ध्यान में रख के रखा गया है। और 6% के ब्रैकेट से इसे बाहर नहीं जाने देने की बात अभी मॉनेटरी पॉलिसी में RBI के द्वारा कही गई है। तो उसी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि जो RBI के द्वारा जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो स्टेप्स तुरंत प्रभाव से उठाए जाने चाहिए। और जिसमें अगर डिले अगर किसी प्रकार का होगा, अगर किसी प्रकार की देरी होगी तो वो देरी से जो स्थिति है वो और भी खराब हो जाएगी। और कोई भी जो स्टेप अगर RBI के द्वारा लिया भी जाएगा तो स्टेप लिए जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल भी खराब हो रखी है COVID-19 के चक्कर में, जहाँ पर अभी जो PMI इंडेक्स है वो भी डाउन हो गया है, वो भी लो आया है। और इस मंथ के लिए भी उसका लो आना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो बिजनेस है वो बिजनेस की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। बिजनेस की स्थिति खराब होने की वजह से जो जॉब्स हैं उनका लॉस अभी होना जारी है। तो इस प्रकार की स्थिति में इन्फ्लेशन की रेट है वो काफ़ी तेज गति से ऊपर बढ़ रही है। इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए RBI को जो ठोस स्टेप हैं वो उठाने होंगे। और ठोस स्टेप उठाकर ही आगे बढ़कर ही सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो डाउन हो रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो सेकेंड सेकेंड वेव के दौरान जो हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है वो नुकसान को हम अभी कवर करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और 9.5 का जो GDP का जो टारगेट इस साल का डिसाइड किया है RBI ने वो टारगेट वैसे तो कम है, लेकिन अगर हम इतना भी अचीव कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से Q2, Q3, Q4 में इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल सकती है। और इस RBI ने जो फिस्कल ईयर के लिए इन्फ्लेशन का रेट डिसाइड किया है कि वो भी 5.7% डिसाइड किया है, जो कि 6% का जो ब्रैकेट है RBI का उस ब्रैकेट से कम ही है, इसे कम ही रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो टारगेट अगर सेट करने की बात करें तो टारगेट जो RBI ने सेट किए हैं वो एकदम सही ढंग से सेट किए गए हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो सुझाव दिए थे, उन सुझाव के अकॉर्डिंग ही इसे मेकअप किया गया है। और अगर इस टारगेट को भी अगर हम अचीव कर लेते हैं और तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो और अगर COVID-19 के समय पे अगर ऐसी स्थिति जब बनी हुई है जब बिजनेस एकदम डाउन हो रहा है और लोगों का जो परचेज का सिनेरियो है वो भी डाउन होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और लेकिन इस टारगेट को अचीव करना आसान नहीं होगा। वापस से इकोनॉमी को रिवाइव करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है ऐसी स्थिति में। और गवर्नमेंट को और RBI को चाहिए कि वो दोनों मिलकर आपस में काम करें और मिलकर इस स्थिति से निपटने की कोशिश करें। तो यही नॉर्मल सी जो बात है इसमें इस आर्टिकल में बताई गई है कि किस प्रकार RBI को अभी बिहेव करना चाहिए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है या किसी भी इम्प्रूवमेंट को लेकर अगर उनके पास में कोई स्टेप अगर उनको लेना है तो उसमें बिना देरी के उस स्टेप को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो 25 साल से पुराने जो कोल प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाएगा, और जो उनका नेशनल जो अचीवमेंट है उसे देखने के बाद में उसे जो बंद है वो किया जाएगा। तो जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि इसके विपरीत अगर हम 25 साल का जो क्राइटेरिया हम लेकर चल रहे हैं, 25 ईयर्स ओल्ड जो हमारे कोल प्लांट्स हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा इसके विपरीत हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सा जो प्लांट है वो बेनिफिशियल है और कौन सा जो प्लांट है वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, उसे चलाना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें ये डिसीजन करना चाहिए, ना कि एक एज के क्राइटेरिया देखते हुए। तो इस प्रकार का जो डिस्कशन है वो इस आर्टिकल में आज किया गया है कि जो कोल जो प्लांट हैं वो हमारे एफिशिएंट प्लांट हैं, और जो पुराने प्लांट हैं उनमें आप देखेंगे कि जो पावर जनरेशन है वो इनके द्वारा ही काफ़ी किया जा रहा है, और जो 20% जो टोटल पावर जनरेशन है वो इनके द्वारा ओल्ड प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम इन्हें बंद कर देंगे तो एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो हमें नहीं मिल पाएगा, और काफ़ी सारा जो नुकसान है वो कैपेसिटी का वो हमें पावर सप्लाई के दौरान होएगा। तो इस बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि ऐसा डिसीजन जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड है उसने भी इस चीज़ को देखने की बात कही है कि जो कोल प्लांट हैं वो किस प्रकार से हमें अभी फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस स्थिति को देखने से हमें ये पता चलेगा, जैसे कि जो दादरी फर्स्ट का जो एनटीपीसी का प्लांट है उस प्लांट से अभी हमें काफ़ी अच्छे लेवल पर जो पावर जनरेशन है वो किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट है रिहाड़ में और सिंगरौली में, जो कि उत्तर प्रदेश में दो प्लांट हैं, इन प्लांट से जो 1.7 किलोवाट आवर्स का जो पावर जनरेशन किया जाता है, और इनकी जो एज है वो भी 30 साल से पुरानी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो नेशनल एवरेज है उस नेशनल एवरेज से भी ये कम है। तो ऐसी स्थिति में जो इनका जो पावर जनरेशन का लेवल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें बंद किया जाना एक अच्छा डिसीजन दिखाई देता है, लेकिन अगर हम सारे जो हमारे कोल प्लांट्स हैं उनको अगर एज के हिसाब से डिसाइड करके उन्हें बंद कर देंगे तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम पावर जनरेशन का अगर हम बात करें, और 25 साल से जो 25 साल या उससे पुराने जो भी हमारे कोल प्लांट्स हैं उनको अगर बंद कर दें तो हमें जो 5,000 करोड़ का जो एनुअली है वो जो नुकसान उठाना पड़ेगा पावर जनरेशन के फील्ड में। और ऐसी स्थिति में फिर आप देखेंगे कि जो हमें अगर जो ये कंपनीज होती हैं पावर कंपनीज का जो लोन का रीपेमेंट है उस रीपेमेंट करने में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से जो डिसीजन है उस डिसीजन को एक एनालाइज करके और दूसरे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ऐसी बात को इस आर्टिकल में बताया गया है कि कई कई बार जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इस प्रकार के डिसीजन ले लेती है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है, उसमें कोई एनालिसिस जो है शामिल नहीं होता है, उस एनालिसिस के बिना ही डिसीजन लिया जाता है। तो इसी ऐसी जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को हम चेंज करके और एक एनालिसिस का रूट अपनाकर उस एनालिसिस को करके अगर डिसीजन लेंगे तो हम जो बेटर जो रिजल्ट्स हैं वो पाएंगे। और अगर इस तरीके से अगर हम एक जनरल डिसीजन अगर सबके लिए अगर प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी जो थर्मल इकाई है वो उनमें काफ़ी जो अवेलेबिलिटी कोल की अवेलेबिलिटी जो है वो भी उनके लिए एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो थर्मल इकाइज हैं थर्मल प्लांट्स हैं कोल प्लांट्स हैं वो जो कोल का जो सोर्स है उससे काफ़ी दूर हैं, और ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये कोल प्लांट्स हैं उन्हें नियर जो सोर्स है वो अवेलेबल कराना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी
जो चुनौती है उसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको देखने की जरूरत है सरकार को, ना कि ऐसा एक जनरल डिसीजन प्रोवाइड करना कि 25 साल से जो पुराने जो कोल प्लांट्स हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो इस डिसीजन को सरकार को चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो कौन सा प्लांट है वो हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा जो प्लांट है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रिपेयर किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हमारे देश में चल रहा है वो 65 गीगावाट के समथिंग किया है, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट है। अगर इस टारगेट को अगर हम अचीव कर लेते हैं तो जो पावर का जो नीड है वो हमारे देश में वो इसको लेकर पूरा हो सकता है। लेकिन ये जो टारगेट है वो तभी अचीव हो सकता है जब हम टेक्निकल, इकोनॉमिकल और जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के उनको ढंग से समझें और जो उसमें रिन्यूएबल ग्रोइंग जो डिमांड है उसको समझकर उनका जो वर्किंग का प्रोसेस है और वर्किंग का जो स्टाइल है उसे समझकर हम इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरी ओर जो एनवायरनमेंट से पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इन प्लांट्स को लेकर होती है, उन प्लांट्स को अगर मान लीजिए किसी पुराने प्लांट में हम अगर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्लेरिफिकेशन के सर्टिफिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अगर हम इसमें लगाते हैं तो पुराने प्लांट के साथ में वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। इस स्थिति को भी हमें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से वर्क करेंगे, क्योंकि जो पर्यावरण का संरक्षण भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्लांट के जो कोल प्लांट हैं, कोयले के जो प्लांट हैं उनके द्वारा काफ़ी प्रदूषण किया जाता है, आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण को नुकसान है वो हमें किस प्रकार से एकदम कम करना है उस चीज़ को भी देख के हमारे को यहाँ पर चलना होगा। तो कुल मिलाकर किसी भी डिसीजन इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि किसी भी डिसीजन में बेनिफिट और जो लॉस हैं वो दोनों चीज़ों का एनालिसिस करके उसे डिसीजन को देना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन हमारे ऊपर थोप देना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस आर्टिकल में यह बात बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हाल ही में गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स को लेकर जो अमेंडमेंट है उसको लेकर की गई है। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स का एक अमेंडमेंट था 2012 का, जिसमें कि एक सोवरेन टैक्स की बात की गई थी, उसमें इनडायरेक्ट एसेट्स पर का जो ट्रांसफर होता था इंडिया के इनडायरेक्ट एसेट्स का ट्रांसफर होता था उस पर जो है वो टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को 2012 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसे वापस से उस अमेंडमेंट को बंद करके और वापस से चालू किया गया है। तो उसी के विरोध में या उसी के जस्टिफिकेशन में ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है और कहा गया है कि जो सोवरेन राइट है वो टैक्स का वो गवर्नमेंट का सोवरेन राइट नहीं है और जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और कैसे भी चाहे वो सरकार चाहे इस साइट को यूज़ नहीं कर सकती। हालांकि जो कोर्ट्स हैं वो उन कोर्ट्स ने नेशनली और इंटरनेशनली ये डिसीजन दिए हैं कि जो सरकार का राइट है कि वो किस तरीके से टैक्स है ना जो वसूल कर सकते हैं, और किसी भी जो चीज़ पर टैक्स अगर वो नेशन का फेवर कर रहे हैं, नेशन के अगर जो ब्रॉड सेंस को लेकर अगर वो इस तरीके की गतिविधि चला रहे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, और जो कोई भी कंट्री है वो टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए लायबल है और उसके लिए जिम्मेदार है कि वो किस प्रकार से वो टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और टैक्स इम्प्लीमेंट करके जो अर्निंग होती है जो भी पैसा उनके पास में आता है उस किस प्रकार से देश के डेवलपमेंट में उसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का जो कई डिसीजन नेशनली है वो इंटरनेशनली है वो काफ़ी दिए गए हैं। तो उसी को देखकर इसमें बात की गई है कि जो भले ही जो टैक्सेशन का जो मामला है वो टैक्सेशन का जो पावर है जो राइट है वो सरकार का राइट हो सकता है, लेकिन ये जो सोवरेन राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब है कि जो इसमें अनकंडीशनल नहीं है, ये इसमें कंडीशंस लगी होती हैं, और इस कंडीशन की बात इस आर्टिकल में कही गई है और बोला गया है कि जो
इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और अगर टैक्सेशन उसमें अगर बढ़ाया जाता है, टैक्सेशन उसमें किया जाता है, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में होना कम हो जाएगा। और इससे जो मेजर जो नुकसान होने वाला है वो वोडाफोन और KNN एनर्जी को तो होने वाला है। तो उसी की बात इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। और जो इंडियन जो ट्रांसफर है, इंडियन एसेट्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, उस पे जो टैक्सेशन है उसे बहुत ही गलत डिसीजन सरकार का बताया है। तो कुल मिलाकर इसी आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो ये टैक्सेशन का प्रोसेस है वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसे लो कर देगा और उसे कम करेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट अभी हो रखा है उसे भी विड्रॉल करने की तरफ कंपनीज वर्क कर सकती हैं। तो इसी खतरे को और इसी बात को इस आर्टिकल में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडिया के जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनकी COVID-19 से रिलेटेड। तो COVID-19 को लेकर जो इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हमारे बाहर US UK और कनाडा में मेनली पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कई स्टूडेंट्स हमारे हैं, तो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनको COVID-19 के चलते परेशानी झेलने को मिल रही है। और आप देखेंगे कि जो इंडिया और चाइना से जो ओवरसीज स्टूडेंट जाते हैं वो US में 47% का उनका रेशियो रहता है। और इसी प्रकार से जो UK में जाते हैं, UK में भी इसी प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट्स का नंबर वहाँ पर रहता है। तो अब इस आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि इन स्टूडेंट्स को काफ़ी जो दिक्कतों का सामना है वो झेलना पड़ रहा है COVID-19 के कारण। COVID-19 के कारण जो कई देश हैं उन्होंने अपनी अभी जो बाउंड्री है वो सील कर रखी है और बाहर से किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को आने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो जो हमारे देश में चल रहा है, अगर कोई कंट्री आने भी दे रहा है तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतना हार्ड बन गया है, हर्डल बन गया है कि उस वैक्सीनेशन को लेने के लिए जो फर्स्ट डोज है वो फर्स्ट डोज के बाद में और सेकंड डोज जो कि कंप्लीट कोर्स हमारे देश में वैक्सीनेशन का चल रहा है उसको लेने में कम से कम 60 से 70 दिन का समय पूरा लगता है। और ऐसे में एक सेमेस्टर का जो समय है वो इसे कोविड में ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके कारण भी जो डिले है और जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो कई कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को आने के लिए या किसी भी बाहर से जो आवाजाही है वो बंद कर रखी है। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो अपने घर पर बैठे हैं या किसी भी इनडायरेक्ट और जो खर्चीला जो साधन है उसे यूज कर उस देश में पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो उसी की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सरकार को चाहिए कि ये जो एम्बेसी है उस एम्बेसी से बात कर जो कंट्री ऐसे रिलेटेड एम्बेसी है उसे बात करके इन स्टूडेंट्स को जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाए और कोविड से जो रिलेटेड जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए और उनको जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए इन स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन लिया जाए और आने की जो परमिशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो इस आर्टिकल में इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने की बात की गई है। तो देखेंगे कि जो बहुत से काफ़ी सारे देश हैं जो उसमें स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो लगभग 40 से 50% का भारतीयों का ही रहता है। इंडियन स्टूडेंट्स ही इन कंट्रीज में हैं। कनाडा में तो जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो वहाँ पर इंडियन से ही काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिलती है। और चूंकि ये आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पे स्कॉलर होते हैं, स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, तो इनकी इंटेलिजेंसी को भी अभी नुकसान हो रहा है। जो इनके द्वारा कुछ अगर कार्य इनोवेशन का या किसी अन्य चीज़ का किया जाना था तो उस कार्य में भी अभी दिक्कत उत्पन्न हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि अपने जो लोग हैं, जो एम्बेसी है वहाँ पर बात करें और कोई बीच का सॉल्यूशन निकाल कर इन स्टूडेंट्स को राहत दिलवाए। तो इसी बात को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है।
तो दोस्तों आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज सिर्फ इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।